हेलो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो आज हम इस वीडियो पे केमिकल इक्विलिब्रियम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट टॉपिक है ली चैटेलियर प्रिंसिपल उसको आज हम स्टडी करेंगे आप इसे ली चैटेलियर प्रिंसिपल ही कह सकते हो इससे पहले हमने इसके नोट्स देखे थे केमिकल इक्विलिब्रियम के तो वो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पी को तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल को यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ मोबाइल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं क्या प्रिंसिपल है क्या स्टेटमेंट रहता है लिखा है कि इफ अर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम सिस्टम कहने का मतलब है कि जो आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैवस प्रोसेस है जिसमें आपका डाइनाइट्रोजन रिएक्ट कराता है हाइड्रोजन के साथ और तो आपको मिल रहा है यहाँ पर टू मोल्स ऑफ अमोनिया तो ये आपका जो पूरी रिएक्शन आपका सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है और ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है तो बोलाब्रियम इज सब्जेक्टेड टू तो अ चेंज इन वन और मोर वेरिएबल सच एज प्रेशर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ठीक है कहने का मतलब कि अगर हम इस सिस्टम पे जो आपका इक्विलिब्रियम पे इसमें हम कोई भी एक वेरिएबल को चेंज कर दे और वेरिएबल है क्या वेरिएबल आपका प्रेशर हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है वॉल्यूम हो सकता है ठीक है तो तीनों में से अगर हम कुछ भी यहां पर चेंज करें सिस्टम पे तो आपका इक्विलिब्रियम कहा शिफ्ट करेगा लिखा है देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे सो एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज या मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंज मतलब जो हमने चेंज करा है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उसको अंडू करने के लिए वहाँ उस डायरेक्शन पे आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एन टू का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो यहाँ पर मैंने क्या करा एन टू का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया तो इक्विलिब्रियम आपका बाई ली चैट प्रिंसिपल उस डायरेक्शन पर आपका शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो मतलब उस इफेक्ट को मिनिमाइज़ करेगा

अब जो आपको यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम दिख रहा है इसको हम रिएक्शन वेरिएबल्स कहते हैं ये आपके यहाँ पर रिएक्शन वेरिएबल्स होते हैं या आप इसको कह सकते हो रिएक्शन पैरामीटर्स ठीक है तो एक एक करके हमें देखना है कि आपका जब हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तब आपका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो आपका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या जब प्रेशर चेंज कर रहे हैं जब आपका कैटलिस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है तब क्या इफेक्ट पड़ रहा है इक्विलिब्रियम पे एक एक करके हमें यहाँ पर उसे देखना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कि जब हमने जो आपके रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे उसका हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया वो हमें देखना है ठीक है तो इसी रिएक्शन को हम ले लेते हैं आपके पास जो प्रोसेस है डायनाइट्रोजन आपका रिएक्ट करा रहा है हाइड्रोजन के साथ और ये आपको दे रहा है यहां पर टू मोल्स ऑफ अमोनिया ठीक है तो पहले केस में हम ले रहे हैं कि हमने यहाँ पर एन टू का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया एन टू का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया तो पहले तो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पे तीनों की कॉन्सेंट्रेशन आपकी सेम होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन आपकी इक्विलिब्रियम पे सेम है तो हमने क्या करा यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन का इंक्रीज कर दिया अब आप इक्विलिब्रियम आपका कहाँ शिफ्ट करेगा बाई ली चेटिली प्रिंसिपल वहाँ शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपका उस इफेक्ट को अंडू कर पाए जहाँ उस इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर पाए मतलब अभी हमने कॉन्सन्ट्रेशन को इंक्रीज़ करा है तो कहाँ शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपका कॉन्सनट्रेशन कम हो रहा हो ठीक है तो कम कहाँ होगा जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो आपका अमोनिया और प्रोड्यूस होगा मतलब आपका जो नाइट्रोजन है वो आपका और रिएक्ट कराएगा हाइड्रोजन के साथ मतलब इसका अमाउंट आपका और यूज होगा अमोनिया फॉर्म करने के लिए ठीक है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज होगा जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन को ले जाएंगे ठीक है तो जब हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा जब हम इंक्रीज करेंगे तब आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा आपका जो अमोनिया है वो आपका मोर यहां पर प्रोड्यूस होगा ठीक है सेकंड केस क्या जब आपका नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है जब आपका नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हम करेंगे तब आपका इक्विलिब्रियम कहा शिफ्ट करेगा जहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हो मतलब तब आपका यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा अमोनिया आपका ब्रेक होगा और वो देगा आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब आपका अमोनिया का यहां पर सॉरी नाइट्रोजन का आपका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इंक्रीज हो जाएगा ठीक है जब हमारा नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तब इक्विलेवन कहा शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे मतलब लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस जो अमोनिया आपका फॉर्म होगा वो लेसर होगा क्योंकि आपके यहाँ पर अमोनिया अब बैकवर्ड डायरेक्शन आपकी रिएक्शन जा रही तो अमोनिया आपका ब्रेक हो जाएगा वापस आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे, दे देगा जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा ठीक है ये आपका इक्विबियम यहाँ पर शिफ्ट क्यों हो रहा है ये शिफ्ट आपका इसलिए हो रहा है कि आपको यहाँ पर वापस रिएक्शन को इक्विबियम पे लाना है हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया डिक्रीज किया उससे हुआ क्या क्या आपका डिस्टर्ब हो गया पहले जो इक्विबियम पे आपकी रिएक्शन थी वो अब नहीं थी ठीक है तो उससे हमें वापस लाना है हमें वापस यहाँ पर इक्वीबियम को अटेन करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया यहाँ पर हमने इक्विबियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट किया जहां पर उस इफेक्ट को मिनिमाइज हम कर सके उसको इफेक्ट को अंडू हम कर सके तो so, ये यह आपका यहां पर इफेक्ट ऑफ चेंज रहता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम अगर हम इसको समराइज करें पहला वाला जो आपका केस था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का तो हम लिख सकते हैं यहां परेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट सॉरी एनी ऑफ द रियक्टेंट वाला केस लेते हैं रिएक्टेंट अगर यहां पर हम रिएक्टेंट में से जो आपके यहाँ पर दे रहे उसके में से हम किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन जब हम इंक्रीज करेंगे तब तो आपका यहां पर इक्विलिब्रियम कहा शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ठीक है जो हमारे पास रिएक्टेंट है यहां पर हम हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं तो हमने किसी का भी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो आपका जो इक्विलिब्रियम यहां पर शिफ्ट करेगा वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट करने वाला है ठीक है सेकेंड केस क्या है जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट अगर यहां पर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे मतलब अगर यहां पर हम अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इंक्रीज करेंगे तो अब आपका इक्विलिब्रियम कहा शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे ठीक है बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों करेगा क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना है तो अमोनिया कॉन्ट्रेशन कब डिक्रीज हो सकता है जब हम रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाए मतलब जब वापस आपको यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तभी तो, तो आपको यहाँ पर कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होगा प्रोडक्ट का ठीक है तो ऐसे आपके यहाँ पर यह हमने समराइज कर रखा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम अभी मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन नोट्स में आपके अच्छे से लिख रखे उसमें हमने कुछ ऐसे ही बता रखा तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो अब दूसरा हम देखते हैं कि आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ऑन इक्विलिब्रियम सेकेंड है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कि जब आपका यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम इकुल, रिएक्शन का तब आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इक्विलिब्रियम पे ठीक है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेज होता क्या है कि जब आपका यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि आपका हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम पे जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कहने का मतलब है कि आपका हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम पे तब आपका ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कहा शिफ्ट करेगा जहां पर आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो ऐसी केस तो होगा भाई ली चेटी जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे सिस्टम का जो आपकी इक्विलिब्रियम पे तो उसका मतलब है कि आपकी हीट सप्लाई हो रही है रिएक्शन पे ठीक है तो इक्विलिब्रियम आपका कहा शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो मतलब ये किसको फेवर करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा और जब आपका यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा हो टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हो मतलब आपकी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है तो उस समय आपका इक्वेलियम कहाँ शिफ्ट करेगा इक्वेबियम आपका यहाँ पर चाहे हीट इवॉल्व हो रही हो वहाँ आपका शिफ्ट करेगा मतलब उस केस में आपका ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करने वाला है ऐसे ही तो होगा ठीक है पहले केस हमने क्या करा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जो आपकी रिएक्शन थी उसमें हमने क्या करा टेम्परेचर को इंक्रीज करा मतलब हीट सप्लाई करी तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन शिफ्ट करेगा कि वो इस इफेक्ट को अंडू कर पाए उस इफेक्ट को आपका कम कर पाए तो कैसे कम करेगा जो आपका हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्ब वाला केस कौन सा है एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला मतलब इसको आपका फेवर करेगा टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा तो आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इक्विलिब्रियम कहा शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपका हीट इवॉल्व हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को यहाँ पर फेवर करेगा मतलब आपका यहाँ पर मिनिमाइज कर रहा है उस इफेक्ट को जो आपका यहाँ पर हो रखा है ठीक है जब आपका एक बार बड़ा टेम्परेचर तब आपका यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुआ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपका हीट एब्जॉर्ब होगा टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करेंगे सिस्टम का तब आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपका हीट इवॉल्व हो रही हो ठीक है तो हैवर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास नाइट्रोजन है इसका रिएक्शन हो रही है आपकी हाइड्रोजन के साथ और ये यह आपको यहाँ पर दे रहा है टू मोल्स ऑफ अमोनिया ठीक है तो क्या कर रहे हैं पहला केस हम यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो कहने का मतलब है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम पे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा जहां पर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही हो ठीक है अब हीट आपकी एब्जॉर्ब कहा होगी बैकवर्ड डायरेक्शन पे क्योंकि जब आपका यहाँ पर अमोनिया फॉर्म करेगा तब तो आपकी रिएक्शन एक्जोथर्मिक बनेगी तब तो आपका जो डेल्टा एच आएगा वो नेगेटिव आएगा तो जब यहां पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सिस्टम का तो यहां पर आप हीट सप्लाई हो रही है तो हमें इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन पर आपका शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर आपका हीट एब्सॉर्ब हो रही हो तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे ये आपका इक्विलिब्रियम यहां पर शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन पर बैकवर्ड डायरेक्शन करने से क्या होगा कि आपका यहां पर जो हीट सप्लाई हुई थी जो आपके यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा था वो आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां पर रिएक्शन चल गई है ठीक है और जब यहाँ पर हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर जब आपका कम होगा मतलब हीट आपकी यहां पर एब्जॉर्व हो रही है ठीक है तो ऐसे केस में आपका इक्विलिब्रियम कहा शिफ्ट करेगा जहां पर आपका हीट इवॉल्व हो रही हो मतलब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर हो रही हो तो ऐसे केस में क्या होगा अमोनिया आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपकी रिएक्शन कहा जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ऐसे केस में आपका अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड मोर ठीक है तो ये आपके दो, दो केस है टेम्परेचर पहले केस में हमने क्या करा टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा सिस्टम का ठीक है तो उस समय आपका इक्वरियम शिफ्ट करा बैकवर्ड डायरेक्शन पे क्योंकि हमें कहा इक्वेरियम को शिफ्ट करना जहां पर आपका टेम्पेचर डिक्रीज कर रहा हो तो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज करेगा जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्शन को ले जाएंगे और टेम्परेचर जब हमारा डिक्रीज कर रहा है जब हमने टेंपरेचर को डिक्रीज करा तब आपका इक्वेरियम कहां शिफ्ट करेगा जहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ जहाँ पर आपका एक्जो रिएक्शन फेवर हो रही हो तो एक्जो रिएक्शन आपकी इस डेक्शन में कहा फेवर होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे क्योंकि तब आपका यहाँ पर अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ज्यादा आपकी हीट यहाँ पर निकलेगी मतलब डेल्टा एच की वैल्यू आपकी मोर नेगेटिव आएगी तो ऐसे केस में आपके जो डेल्टा एच की वैल्यू रहेंगी अराउंड माइनस नाइनटी किलो जूल के आसपास यहाँ पर आपकी वैल्यू रहती है ठीक है तो ये दो आपके केस यहाँ पर रहते हैं तो इसको हम समराइज करें तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते तो जो आपका यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा जहां पर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही हो एंडोथर्मिक कहाँ होगी बैकवर्ड डायरेक्शन पे। बैकवर्ड डायरेक्शन पे आपकी यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडो एंडोथर्मिक होगी सेकेंड केस है जब यहाँ पर हम डिक्रीज कर रहे टेम्परेचर को टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा तो आप इक्वलीबियम कहाँ शिफ्ट करेगा

प्रेशर और इक्विलिब्रियम जब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर को चेंज करेंगे तब क्या आपका इफेक्ट पड़ने वाला है इक्विलिब्रियम पे वो हमें यहाँ पर देखना है ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्रेशर का तो प्रेशर का आपका डायरेक्ट रिलेशन रहता है वॉल्यूम के साथ प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के या आपने गैस स्टेट्स में पढ़ा था पी इवर्सिल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ठीक है मतलब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ करेगा तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें बताएगा यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम आपका कहाँ को शिफ्ट करने वाला है अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के केस में आपका कोई भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता जब आपका प्रेशर यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि उस केस में आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता सॉलिड्स के केस में तो सॉलिड्स के केस में आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो मतलब आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे ठीक है सेकेंड केस बात करें अगर लिक्विड और गैसेस फेज की तो लिक्विड और गैसेस फेस में आपके दो यहाँ पर केसेस है पहला क्या है आपका जब आपका डेल्टा एन जो चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स है अगर ये आपका जीरो के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रेशर जब आपका चेंज होगा तब आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एच टू आपका रिएक्ट करा रहा है आई टू के साथ और ये आपको दे रहा है यहाँ पर टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों आपके यहाँ पर गैसेस फेज में है तो इसमें अगर हम निकाले चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स तो ये आपका, 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 आपका वन मोल है ये आपका वन मोल है ये आपका टू मोल है तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना आया जीरो के इक्वल तो इसमें अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है ठीक है अगर हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होती है तो ऐसे केस में हमारा सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है जिस पर आपका एन से आपका यहाँ पर बन रहा है टू मोल्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम टू पर आपकी रिएक्शन है दोनों आपके यहाँ पर गैसेज फेज पे एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं हाइवस प्रोसेस वाली एन आपका रिएक्ट करा रहा है थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ और ये आपको दे रहा है टू मोल्स ऑफ अमोनिया तो पहले केस में देखिए इसमें आपका वन मोल है इसमें आपका टू मोल है तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर

तो जब हमारे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है जब यहाँ पर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे तब यहाँ पर क्या होगा अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन से देखें तो प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है वॉल्यूम के तो जब हमारा यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तब आपका यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा ठीक है तो अगर हम देखें इस केस में इस हैवरस प्रोसेस वाले केस में देखें तो प्रेशर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इस पर इस सिस्टम पर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे तो अब इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पर शिफ्ट करेगा जहाँ पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो तो वॉल्यूम कहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे तभी तो आपका यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है तो हमें इक्विरियम को वहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो तो मतलब ये आपका यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ये रिएक्शन जाएगी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आपका यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव है ठीक है डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आपका ये बता रहा है कि वॉल्यूम आपका सिस्टम का डिक्रीज कर रहा है डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव कहने का मतलब है कि वॉल्यूम आपका सिस्टम का इंक्रीज कर रहा है तो इस केस में हमने क्या करा प्रेशर इंक्रीज कर दिया सिस्टम का प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा जहां पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ यहाँ पर क्या कहा कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ठीक है क्योंकि इसमें आपका डेल्टा एन की वैल्यू जो आई है ये यह आपके यहाँ पर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव केस में वॉल्यूम आपका सिस्टम का डिक्रीज़ करेगा ठीक है तो हम कैसे यहाँ पर बता रहे प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन से पी इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो प्रेशर यहाँ पर जब इंक्रीज़ कर रहे तो वॉल्यूम आपका यहाँ पर डिक्रीज़ करना चाहिए ठीक है मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम को हमें उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन पर रिएक्शन को शिफ्ट करा और जब यहाँ पर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा जहां पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो ठीक है तो अगर हम फर्स्ट केस देखें तो इसमें आपका डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है जो चेंज इन नंबर ऑफ गैश मॉलिक्यूल्स है उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है मतलब वॉल्यूम आपका जो सिस्टम का इंक्रीज कर रहा है ठीक है तो ऐसे केस में आपका इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे तो ऐसे केस में आपका राइट right को शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मैं पहले वाली रिएक्शन की यहाँ पर बात कर रहा करूँ इस रिएक्शन में हमने ये रिएक्शन की बात करी थी जो अगर हम प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज कर रहे तो इक्विजन में आपका कहा शिफ्ट होगा जहाँ पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो पहले वाली रिएक्शन की हम बात करें एंड टू फोर वाली तो इसमें आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे क्योंकि डेल्टा एंक की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है प्लस वन आ रखा है ठीक है तो ऐसे केस में आपका जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होगा क्योंकि इसमें आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है अगर हम इसी में देखें जब आपका प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है तो ऐसे केस में आपका यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड चले जाएगी क्योंकि इसमें आपका डेल्टा एं की वैल्यू नेगेटिव है वो फॉरवर्ड के लिए था तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएंगे तब आपका यहाँ पर क्या करेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ठीक है थीके? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन पर आपका वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बैकवर्ड डायरेक्शन पर रिएक्शन को ले जाना पड़ेगा वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ठीक है तो ये आपके दो केस हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम के तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो इसमें पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे पर जो हम कैटलिस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है थीके? तो ये आपके तीन चार केस थे ली चटल प्रिंसिपल के तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो